तो फाइनली डगन बॉस ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए फ्रैंकलिन को घर में घुसकर अरेस्ट करवा लिया है। बट यार कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती, कहानी तो यहाँ से शुरू होने वाली है। अब एक्शन लेगा फ्रैंकलिन एंड रिएक्शन भुगतेगा डगन बॉस। ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द सीजन। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा कैसे डगन बॉस ने हम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया था अपनी सिक्योरिटी एंड पुलिस का इस्तेमाल करके। उसने पूरा हाईवे वगैरह बंद कर दिया था एंड यार सिटी में टोटल लॉकडाउन हो गया था। बाकी यार अभी तो यार नॉर्मल स्थिति हो चुकी है एंड अभी गाड़ियां वगैरह भी चलने लगी है, मतलब कि यार लॉकडाउन तो हटा दिया है एंड अभी देखना होगा कि यार पुलिस वगैरह कितनी है अभी सड़क पर। बाकी यार मैं तो सुबह सुबह एक्सरसाइज कर रहा हूँ क्योंकि लेस्टर ने मेरे को बोल दिया है कि भाई आज हम लोग लॉस सेंटोस वापस जाने वाले हैं वही वाली गाड़ी लेके। यार आज की आज बैनी की मदद से उस वाली गाड़ी को सेल करेंगे एंड देखते हैं भाई फिर क्या ही मैटर होता है। बाकी तो यार मैं फुल एक्सरसाइज होके आज तैयार हो रहा हूँ भाई, आज तगड़ी फाइटिंग होने वाली है। सबसे पहले भाई पुलिस से लड़ेंगे, फिर उसके बाद भाई उसकी सिक्योरिटी आ जाती है एंड यार लास्ट में देखते हैं क्या होता है। बाकी यार लेस्टर से मेरी बात वगैरह भी हुई थी तो वो बोल रहा था अगर भाई प्रिजन वगैरह जाना पड़ा तो फ्रैंकलिन तू चला जाइयो, तेरे को जल्दी से जल्दी बाहर निकालेंगे एंड तेरे को कोई ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी क्योंकि लेस्टर के भाई बहुत ज्यादा बंदे जानने वाले हैं अंदर, तो शायद से हो सकता है आज मेरे को अंदर भी जाना पड़े। बाकी चलो यार अभी तो देखते हैं क्या ही होता है आगे, अभी अंदर वंदर जाना की बात ना ही करें तो ज्यादा बढ़िया होगा। बाकी फटाफट से चलते हैं, आपको दिखाता हूँ भाई। देखो यार मैं कैसी जगह पर रात में रुका हुआ था, मतलब भाई मच्छरों ने जो काट काट के मेरा बुरा हाल किया है ना वो तो तुम पूछो ही मत। बट चलो यार अभी तो काफी ज्यादा देर एक्सरसाइज हो गए एंड अब मैं वार्म अप हूं भाई आज की लड़ाई के लिए। तो चलो भाई अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ इस वाली जगह से बाहर निकलने का रास्ता। भाई तुम सोच रहे हो कि दोनों गेट तो बंद है एंड बाय द वे देखो यार यहाँ पे मैंने गाड़ी खड़ी कर रखी है। बाकी यार ड्राइवर तो जा चुका है अपने घर पर एंड यार लेस्टर जो है जा चुका है लॉस सेंटोस सिटी वापस एंड यार बैनी तो पहले ही चला गया था। ओ बाकी हो एक सेकंड, तुम लोगों से भाई बात करने के चक्कर में ना मैं रास्ता ही भूल गया। देखो भाई कुछ ऐसे आना पड़ता है बाहर एंड अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ हमारी गाड़ी किस हालत में है। बाकी देखो यार मैंने गाड़ी वगैरह तो पूरी रिपेयर वगैरह करा ली थी जो पिछले एपिसोड में तुमने देखा होगा, पूरी खत्म ही हो गई थी एंड यार चेक दिस आउट कितनी ज्यादा खतरनाक लग रही है। बट यार अब ये ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है, आज ये वाली गाड़ी बिक जाएगी कैसे भी कैसे करके। बाकी चलो अभी तो फटाफट से भाई इसमें बैठते हैं। बाकी यार ये वाली शायद हमारी गाड़ी की लास्ट राइड भी हो सकती है तो खूब मजे लेने वाला हूँ। बाकी अभी शहर में तो गाड़ियां वगैरह काफी ज्यादा चलने लगी हैं, इसका मतलब भाई लॉकडाउन तो हट चुका है। अभी हम लोगों को लॉस सेंटोस जाने का रास्ता देखना होगा, या तो भाई मेन हाईवे पे अगर पुलिस वगैरह हुई तो उनको भाई पूरा उड़ा उड़ा के जाएंगे और नहीं हुई तो भाई फिर तो हम आराम से जा ही सकते हैं। बाकी कल लेस्टर गया था वो बता रहा था कि भाई दो चेक पॉइंट हाईवे पर थे ना वो तो हट गए थे, बट यार जब वो सिटी वाले पास में पहुंचा था ना तो उस जगह भाई फ्लाईओवर के पास एक चेक पॉइंट लगा हुआ था जो कि भाई तलाश कर रहे थे इसी वाली गाड़ी को। बाकी यार मैं अभी सोच रहा हूँ चलता हूँ जल्दी से ट्रेवर के पास, थोड़ा भाई नाश्ता वगैरह कर लेते हैं एंड अगर ट्रेवर भी हमारे साथ आ जाएगा तो बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा क्योंकि भाई तुम लोगों को पता है ट्रेवर कितना ज़्यादा खतरनाक बंदा है भाई, वो एक सेकंड में भाई कितने लोगों को एकदम डाउन कर देता है। इसलिए अभी तो मैं ट्रेवर के घर पर जा रहा हूँ। बट यार एक सेकंड नहीं, कहाँ आ गया भाई, ट्रेवर का घर इतनी दूर भी नहीं था तो चलो भाई ट्रेवर का घर ढूंढते हैं पहले तो। एंड मिल गया भाई, मिल गया, ये वाला घर है ट्रेवर का एंड ये रहा भाई रॉन। और भाई रॉन कैसा है, चल हट जा भाई जल्दी से, सबसे पहले मेरे को गाड़ी यहाँ छुपाने दे। एंड इधर तो भाई ये बंदे भी खड़े हुए हैं, इनकी नज़र अगर पड़ी ना इस गाड़ी पर तो ये गाड़ी उड़ा लेंगे। बाकी यार चलो, और भाई रॉन कैसा है तू, आ जा भाई थोड़ी प्रैक्टिस कर लूँ मैं, अगर तू भी प्रैक्टिस कर रहा है तो हम भी प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं ना। बाकी हट जा, चल ट्रेवर को बुला जल्दी से। बाकी चलो यार इतना भी परेशान करना नहीं है सही, अभी ट्रेवर को बुलाते हैं एंड फटाफट से निकलते हैं भाई लॉस सेंटोस के लिए। ऑलराइट भाई, तो ट्रेवर ने तो आने में काफी ज्यादा टाइम लगा दिया, बट चलो कोई नहीं अभी आ चुका है, आजा भाई ट्रेवर फटाफट से बैठ जाते हैं इस वाली गाड़ी में एंड तू भी भाई थोड़ी सी मजे ले ले इस वाली गाड़ी के। एंड यार सब कुछ तैयार है ना, बाकी क्या कर रहा है, जल्दी बैठना भाई, इतना ज्यादा टाइम नहीं है भाई हमारे पास अभी ना भाई। टाइम देखो सही है थोड़ा बहुत हमारे लिए निकलने के लिए, अगर भाई इस टाइम हम लोग आसानी से निकल लगे ना तो हम लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। बाकी एक सेकंड में जरा हेडलाइट बंद कर देता हूँ, पता नहीं क्यों भाई मैं पैर में भी इसकी हेडलाइट जला के चल रहा हूँ। बाकी चलो भाई लेट्स गो, अभी दबाते फुल पंजा इस गाड़ी का एंड निकालते भाई इसको फुल स्पीड में लॉस सेंटोस के लिए। बाकी मैं तो काफी ज्यादा खुश हूँ, बट यार शायद से मैंने गलत मोड़ लिया, चलो कोई नहीं अब मुड़ गए तो भाई मुड़ गए, अभी चलते हैं भाई फटाफट से लैम्बोर्गिनी से थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग भी कर लेते हैं भाई, आखिरी दिन है भाई इस गाड़ी का हमारे साथ तो फुल टेस्टिंग कर लेते हैं। बाकी भाई डगन बॉस को तो इतना कंफर्म बोल सकता हूँ ये वाली गाड़ी तो उसे वापस नहीं मिलने वाली। बट यार अभी एक वॉर काफी तगड़ा शुरू होने वाला है डगन बॉस वर्सेस फ्रैंकलिन ट्रेवर एंड लेस्टर। बाकी चलो भाई अभी तो मैं मेन हाईवे पर आ चुका हूँ एंड इधर ही बता रहा था यार लेस्टर मेरे को कि एक चेक नाका लगा रखा था। बाकी अभी तो मेरे को भाई कुछ भी नहीं दिख रहा, ऑल क्लियर है भाई, लेट्स गो, हम फाइनली जा रहे हैं भाई लॉस सेंटोस वापस। बाकी मेरे को समझ नहीं आ रहा जो डगन बॉस भाई इतना ज्यादा पागल था इस गाड़ी के पीछे उसने सब कुछ हटा क्यों दिया,
कई डगन बॉस हमारे साथ ही तो नहीं खेल रहा है, हम लोग सोच रहे हो। बाकी चलो यार इसकी बात मैं तो लेस्टर से ही करूंगा, क्योंकि भाई लेस्टर काफी ज्यादा चलाक बंदा है, उसको सब कुछ पता रहता है भाई शहर में इधर उधर क्या हो रहा है। बाकी अभी तो लगाते सबसे पहले लोकेशन, एंड यार मैं फालतू में ना ट्रेवर को भी परेशान कर दिया। बाकी चलो भाई ये रही मेरे घर की लोकेशन, अब उसको भी यार मेरे साथ आना पड़ेगा। बाकी चलो कोई नहीं यार, दो तीन दिन ये भी लॉस सेंटोस सिटी में घूम लेगा तो कुछ नहीं जाने वाला भाई, ये भी इंजॉयमेंट ही करेगा। बाकी एक सेकेंड, शायद से मैंने रॉन्ग टर्न ले लिया है, मेरे को उधर ऊपर से ही जाना था। बाकी चलो भाई हम लोग तो भाई यहाँ से आराम से निकल गए हैं, अभी मेरे को कोई भी डर वगैरह तो नहीं लग रहा। बाकी भाई अभी मेरे को ना एक और डर है बस, जहाँ ही रास्ता जाके खत्म होता है ना, मतलब यार सिटी में घुसने वाला, वहाँ पर लेस्टर मेरे को बोल रहा था कि वहाँ पर चेकिंग तो मैं मिल सकती है फ्रैंकलिन, तो थोड़ा सा संभाल के मेरे को देख के जाना पड़ेगा। बाकी अभी तो भाई मस्त गाड़ियाँ वगैरह भी हाईवे पे दौड़ रही है, एंड अभी कोई भी सिक्योरिटी वगैरह हमारा कोई भी पीछा वगैरह नहीं कर रही है, तो जिसको देख के यार मैं काफ़ी ज़्यादा ही सही लग रहा है मेरे को। बाकी अभी तो भगाते फुल स्पीड में अपनी गाड़ी को, एंड भाई अभी तो हम लोग आ चुके हैं भाई, राइट ही लेना है हमें सामने वाली टर्न से, एंड हम लोग पहुँच जाएंगे। बट यार एक सेकेंड, शायद से लेस्टर भाई इसी वाली चेक पॉइंट के बारे में बात कर रहा था। सबसे पहले तो मैं भाई गाड़ी को थोड़ा ना इधर पीछे लगा देता हूँ, ताकि इन लोगों को ना हमारी नज़र ना पड़े, यार गाड़ी वगैरह पर शक ना हो जाए ये बाकी इधर क्या कर रहे हैं। बाकी चलो भाई निकालते हैं जरा अपनी स्नाइपर एंड देखते हैं भाई। बाकी यार थोड़ा बहुत ना गाड़ी का सहारा ले लेता हूँ। बाकी ओए ट्रेवर क्या कर रहा है, आरपीजी वगैरह चला मत दियो भाई किसी पर भी। बट यार एक सेकेंड, तुम देख सकते हो भाई ये तो ट्रक वगैरह को रुकवा रुकवा के चेकिंग कर रहे हैं, एंड भाई गाड़ी वगैरह को भी चेक कर रहे हैं ये तो। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई हम लोग कैसे जाएंगे भाई यहाँ से। ट्रेवर तेरे पास कोई प्लान है क्या? ऑलराइट गाइस, तो लेस्टर से फाइनली मेरी बात हो चुकी है, एंड वो बोल रहा है यार इसके अलावा कोई भी चेक पॉइंट अभी सिटी में नहीं है। तो लेस्टर ने तो यार हमें ग्रीन सिग्नल दे दिया है इस वाले चेक पॉइंट को पूरा उड़ाने के लिए। देखो भाई गाड़ी तो यार उनको समझ आई जाएगी कि हम लोग ये वाली गाड़ी चुराई हुई वाली गाड़ी है, एंड यार वो लोग तो हम पे अटैक करें इससे पहले हम लोग यार उनको पूरा चकनाचूर कर देंगे। बाकी चलो यार नॉर्मल, देखो मैं जाने वाला हूँ, बट यार ना भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, इसमें डर है यार कि कोई नॉर्मल बंदा ना मर जाए, इसलिए मैं लगाता हूँ भाई अपनी गाड़ी को यहाँ पर। बाकी चल भाई आजा ट्रेवर, अपना निकाल ले भाई आरपीजी सामान, गोला बारूद जो भी तू लेके आया है। बाकी मैं तो जाने वाला हूँ इस वाली के साथ। बाकी चलो भाई फाइट कर देते हैं। बाकी अभी मेरे पास पुलिस भी पीछे पड़ चुकी है। चलो भाई अभी मेरे अभी समय आ चुका है यहाँ पे थोड़े बहुत अटैक्स करने के लिए। बाकी काफ़ी ज़्यादा पुलिस है भाई, तू भी लगा रहा है ना। बाकी एक सेकंड मेरे ऊपर भी हमला कर दिया भाई, लगता है इन लोगों को हमारी लोकेशन तो पता लग चुकी है। अभी करते भाई फायर, लेट्स गो भाई, हेडशॉट पे हेडशॉट बजाते हैं इन पे। बाकी और कहाँ है भाई बंदे अभी पुलिस वाले, मेरे को लग रहा है और भी काफी ज्यादा बचे हैं। बाकी एक सेकंड भाई हेलीकॉप्टर वगैरह भी आ चुका है यहाँ से। भाई मेरे को इन बंदों को क्लियर करके फटाफट से निकलना होगा। बाकी इस वाली साइड पे तो कोई भी नहीं है, एंड सामने वाली साइड पे भी कोई नहीं है। आ जा ट्रेवर जल्दी से यार बैठ जा, हमारे पास भी लैम्बोर्गिनी। बट एक सेकंड भाई पुलिस आ चुकी है, एंड यार ये तो उस वाली साइड से आ रही है, एंड वेरी गुड भाई ट्रेवर ने उड़ा दी है, अपनी आरपीजी का फुल इस्तेमाल कर रहा है। बाकी चलो मैं फटाफट से बैठता हूँ, एंड गाड़ी को कुछ ना कर दे भाई ये लोग। बाकी बैठ जा ट्रेवर, कहाँ पे है तू, जल्दी बैठ भाई ट्रेवर जल्दी बैठ। बाकी एक सेकंड भाई ट्रेवर कहाँ पे गया, मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई ट्रेवर किधर चला गया है। बाकी यार अभी तो भगदड़ मच चुकी है, मैं फटाफट से यार अपनी गाड़ी को भगा के जा रहा हूँ। बाकी ट्रेवर ने काफी अच्छा काम किया। बाकी लेट्स गो निकल हट भाई यहाँ से, क्या कर रहे हो भाई तुम लोग, मेरी भाई गाड़ी का पूरा चक्का इन्होंने फाड़ दिया है। बाकी चलो भाई अभी तो भगाते फटाफट से इस वाले हाईवे से निकलते हैं सबसे पहले तो सिटी की तरफ। बाकी ये हेलीकॉप्टर वगैरह भी आ गया, मेरी गाड़ी भाई पूरी खराब ना हो जाए, तो फटाफट से चलते भाई पहले किसी सेफ लोकेशन पे ही चलते भाई। ये तो इतनी ज्यादा पुलिस आ चुकी है मेरे पीछे, तुम देखो भाई ये पागलों की तरह पड़े हुए भाई मेरे पीछे। बाकी चलो कोई नहीं, हमारे पास भी भाई लैम्बोर्गिनी है जो कि काफी ज्यादा हाईली मॉडिफाइड है। बट यार एक सेकेंड, यहाँ पर तो मेरी गाड़ी ठुक चुकी है, एंड यार ये लोग तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। अभी आ जाओ भाई, मैंने निकाल ली अपनी फुल तगड़ी वाली गन, लेट्स गो भाई, इस गन के आगे कोई भी नहीं टिक पाता है। बाकी हाँ भाई तू वहां से मार रहा है, ये ले भाई अब निकल यहाँ से। बाकी और बंदे कहाँ हैं, चलो भाई ये वाली गाड़ी भी डाउन कर दी हमने। बाकी और बंदे आ रहे हैं अभी वहां से, तो चलो भाई अभी तुम सबका टाइम आ चुका है भाई निकलने का। एक तो भाई पता नहीं डगन बॉस ने इन लोगों को कितने पैसे खिला रखे हैं भाई, जब भी ये लोग गाड़ी देखते भाई हमारे पीछे पागलों की तरह पड़ जाते हैं। बाकी तुम देखो भाई कितनी ज्यादा मेरे पे तगड़ी फायरिंग हो रही है। बाकी ये हेलीकॉप्टर में से बैठ बैठ के मेरे पीछे यार फायरिंग करे जा रहे हैं। बाकी और लाओ भाई, हाँ आ जा भाई तू भी आ जा, जितनी जल्दी आएगा भाई उतनी जल्दी यहाँ से फटके जाओगे। बाकी चलो भाई अभी काफी ज्यादा तगड़ी लड़ाई हो चुकी है, मैं मिलता हूँ आपको इनसे लड़ने के बाद। ऑलराइट गाइस, तो अभी तो फाइनली सुबह हो चुकी है, ट्रेवर वगैरह से भी मेरी बात हो चुकी है। भाई रात में तो इतनी ज्यादा तगड़ी हमारी लड़ाई हो गई थी पुलिस वालों के साथ। अब यार पुलिस कह लो या सिक्योरिटी कह लो भाई, इन लोगों ने ना मेरा पूरा व्हील वगैरह भी फाड़ दिया है, अभी ना मेरे को ऐसे ही जाना पड़ेगा। बाकी देख सकते हो भाई गाड़ियां कितनी ज्यादा फटी पड़ी है। बाकी अभी भी यार कुछ पुलिस वाले यहाँ पर हैं,
अभी तो मैं भाई शांति से निकलने वाला हूँ, क्योंकि भाई मेरे को अब ज्यादा रिस्क नहीं लेना, मेरे को फटाफट से पहुंचना है भाई मेरे घर। एंड दैट ट्रेवर से भी मेरी बात हुई थी भाई, ट्रेवर के ना पीछे पुलिस लग गई थी एंड यार उसको अरेस्ट वगैरह भी करने वाले थे वो लोग, बट यार ट्रेवर ने काफी ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल किया एंड वो वहां से कट लिया भाई। ऑल राइट गाइस, अभी तो मैं फाइनली घर आ चुका हूं एंड लगा देते भाई अपनी गाड़ी को इसके अंदर। बाकी मैंने बेनी को भी कॉल कर दिया था, वो आके देख लेगा फटाफट से इस गाड़ी को, पूरा सही कर देगा एंड फिर मैं पहुंचूंगा भाई सीधा लेस्टर के पास एंड देखते हैं फिर हम लोग क्या कर सकते हैं इस वाली गाड़ी के साथ। बाकी अभी तो मैं फिलहाल के लिए फटाफट से कूद के आ चुका हूँ अपने घर के नीचे वाली जगह पर एंड अभी चेंज करते हैं एंड भाई थोड़ी देर के लिए ना आराम करता हूँ। पिछले भाई 3-4 दिन इतने ज्यादा खतरनाक गए ना। बाकी चलो अभी चेंज वगैरह कर लिया है मैंने एंड अभी भाई मैं जा रहा हूँ सोने के लिए सीधा। ऑलराइट भाई, तो फाइनली यार मैं उठ चुका हूँ, बट यार एक बुरी खबर है, तुम देख सकते हो भाई पुलिस ने हम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया है एंड यार ये लोग लेके आ चुके हैं मेरे पास अरेस्ट वारंट, जो कि भाई हम लोगों ने वो वाली गाड़ी चुराई थी ना भाई। हमारी किस्मत इतनी ज्यादा खराब है कि हम लोग वहां से बच के तो आ गए, बट यार गाड़ी तो अब हमारे हाथ से जाने वाली है एंड मेरे को भी शायद से यार अब अरेस्ट होके जेल जाना पड़ेगा। चारों तरफ से भाई घर को पुलिस ने घेर लिया है एंड तुम देखो भाई ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं यहाँ पर, मस्त यार मेरा टीवी वगैरह देख रहे होंगे यहाँ खड़े हुए। एंड यार यहाँ पर भी देखो ये डॉक्टर वगैरह आए हुए एंड फोरेंसिक टीम आई हुई है एंड फोटोज वगैरह भी ले रहे हैं एंड जो भाई बच्चे कुछ पैसे थे ना ये 1-1 रुपए के सिक्के, वो भी भाई इन लोगों ने पकड़ लिए हैं। एंड यार अभी तो मेरे पास कोई भी जवाब नहीं है, बाकी लेस्टर फोन नहीं उठा रहा है, बट यार उसने हम लोगों को पहले ही बता दिया था कि ऐसा भी कुछ होने वाला है। अभी तो यार मैं देखो इनके हाउस अरेस्ट में हूँ तो अभी मैं इसलिए फ्रीली घूम पा रहा हूँ, बट यार देखो एक बार यहाँ पर इन्होंने पूरी नाकाबंदी लगा दी है एंड देख रहे हो भाई कितनी ज्यादा भारी स्वेट वेंस रहे हैं एंड यार इस गाड़ी को क्या चेक कर रहा है। तो चलो भाई सारी यार चेकिंग वगैरह कर ली इन्होंने एंड यार अभी फाइनली मेरा अरेस्ट होने का टाइम आ चुका है। डगन बॉस ने यार हम लोगों को अरेस्ट कर लिया है एंड यार ये वाली गाड़ी भी हमारे हाथ से गए। बाकी भाई मेरे को तुम लोग मार क्यों रहे हो, मैं भाई चलने के लिए तैयार तो हूँ भाई, इन लोगों को लग रहा है मैं भाग रहा हूँ, बट यार इन लोगों ने तो यहीं से मारना शुरू कर दिया। अभी पता नहीं भाई प्रिजन के अंदर क्या होने वाला है। यार आज की वीडियो के लिए इतनी रखते हैं, होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आएगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक मारो, सब्सक्राइब करो चैनल को, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।